बहन से करने का मन करता है, क्या करे? ऐसे सवाल लेके मेरे पास में काफी लोग आते रहते हैं। क्या है कि कुछ धर्मों में बहन से शादी भी करना अलाउड है, तो फिर सेक्स तो अलाउड ही, सवाल ही नहीं। पर कुछ धर्मों में ये इलीगल है और इमोरल भी है, मतलब लीगल भी अलाउड नहीं और मॉरली भी अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा पाया गया है कि यदि ब्लड रिलेटिव्स के साथ में यदि आप सेक्स करते हैं और बच्चे पैदा होते हैं, तो उसमें जेनेटिक डिसीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, साइंटिफिकली आप देखा जाता है, मतलब देखते हैं। तो तभी भी मेरे पास में आते हैं। अभी मेरे पास में और एक पेरेंट्स आए कि भाई वो जो लड़का था, कजिन, मतलब रियल कजिन, रियल अंकल का लड़का, वो इनके घर में पढ़ने को है। दोनों भी बहन भाई एक ही घर में रह रहे हैं, नेचुरली एक ही घर में है। वो बेटा जो था, मतलब लड़का जो था, उसके पिताजी और कहीं बाहर गाँव है, ये शहर में रह रहे करके उसको शहर में भेजा। अंकल के यहाँ, रियल अंकल के यहाँ रह रहा है। अब इनका कब चालू हो गया सेक्स, ये किसी को पता ही चला नहीं, क्योंकि कभी दिमाग में भी किसी ने सोचा नहीं था कि ये कजिन है, एक तरह देखा जाए तो रियल भाई बहन ही हो गए ये, कि ये सेक्स कर सकते हैं। मगर इनका कैसा सेक्स करना चालू हो गया, पढ़ाई साथ में करते थे, एक ही उम्र के थे, कैसा चालू हो गया किसको ही पता नहीं। अभी वो लड़की बोलती कि मेरे को ये लड़के के साथ में शादी करना है, लड़का बोलता लड़की के साथ में शादी करना है, और ये धर्म में मान्य नहीं है। अब माँ बाप बुरी तरह फंस गए, वो तो एकदम प्यार में है, और मेरे पास में लाए कि अभी इनको हिप्नोटाइज करो, और हिप्नोटाइज करके इनके दिमाग का निकाल। अभी हमको ये देखना है कि होता क्यों है। काफ़ी सारे कारण हैं। एक तो है कि बचपन में सेक्सुअल एब्यूज़ हो गया तो होता है, ऐसे एवर्शन, सेक्सुअल एवर्शंस हो सकते हैं। कपड़े चेंज करके देखा हुआ है तो भी ऐसे दिमाग में फिर विचार आना शुरू होते हैं, और फिर उसका ऑब्सेशन तैयार होता है। पॉर्न वीडियोस देखते हैं, लड़कियों में खेलते रहते हैं तो लड़कियाँ अच्छी लगने लगती है, और वो लड़का लड़कियों के साथ में बचपन से खेलते आ रहा है तो उसका प्यार हो गया, वही लड़कियों के साथ में खेल रहा तो उसका प्यार हो गया, घर में एक ही घर में है। तो फैमिली रिलेशनशिप डिस्टर्ब है तो फिर कहीं ना कहीं वो प्यार चाहता है, और कहीं प्यार मिल गया तो वो इंसेस्ट हो जाता है। उसके इंसेस्ट बोलते हैं ना कि भाई ब्लड रिलेटिव्स में सेक्स करना है, शादी करना, इंसेस्चुअल रिलेशनशिप बोलते हैं। तो एक तो एक्चुअल सेक्स करते हैं, या फिर इमेजिनरी या फैंटासी में सेक्स करते हैं, क्योंकि एक्चुअल पॉसिबल नहीं तो फैंटासी में करते हैं। कुछ लोगों को इनके बार बार विचार आते हैं और बोलते हैं यार हमको करना नहीं, मगर अभी विचार ही बहुत आ रहे हैं। अभी हमको मालूम है कि भाई धार्मिक तथा सामाजिक अलाउड नहीं है, इमोरल है, मगर अभी बार बार विचार आ रहे हैं, और फिर बार बार विचार आ रहे हैं रिपीटेडली, और फिर वो विचार और जगह फैल जाते हैं। फैल जाते मतलब कैसा, कि सिस्टर के साथ में, फिर मदर के साथ में वो विचार आते हैं, फिर भाभी के साथ में विचार आ रहे हैं, और दिमाग जैम हो जाता है। तो ये सब जो कारण है, इसके साथ साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट न्यू जर्सी के हैं, लिज निसिम मैथीज इनका नाम है, इन्होंने अपने लेख में ये लिखा है कि 11 साल के बाद में को स्लीपिंग करना ही नहीं, और को स्लीपिंग मतलब एक ही बेड में अपोजिट सेक्स के बच्चे भी रहे तभी उनको सुलाने का नहीं है, और माँ बाप के साथ में भी 11 साल के ऊपर बच्चों ने सोने का नहीं। तो ये यदि इसका ऑब्जर्वेशन, मतलब इसको ऑब्जर्व करते हैं तो शायद नहीं हो जाएंगे। और हमने जैसे माँ बाप ने ऐसा नहीं समझना चाहिए कि नहीं ये भाई बहन है तो इनका सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं होगा, तो नहीं होगा ऐसा पक्का मान के मत चलो, क्योंकि कब चालू होगा ये किसको मालूम नहीं। वैसा बहुत सारे जाति धर्म में बुआ के घर में लड़की देना कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है बुआ के घर में, मतलब बुआ चलती है सास करके, मतलब बुआ की लड़की घर में नहीं ला सकते, वो माना नहीं है ठीक। तो ऐसे काफ़ी सारे सोशल रिस्ट्रिक्शंस भी है। इतना पक्का मैं बोल सकता हूँ कि जेनेटिक डिसीज, यदि ब्लड रिलेशन है तो जेनेटिक डिसीज बहुत कॉमनली हो सकता है, करके अवॉइड करना चाहिए। और जिनको ये ऑब्सेशनल लेवल पे है या फिर एक्चुअली वो कर रहे हैं, जैसा कि अभी मैंने जो एग्जांपल बताया उसमें कि अभी वो शादी करना चाहते हैं और ये अलाउड ही नहीं, मतलब बोलते कि भाई हमको हमारे लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, इनको कोई पड़ी नहीं है, सगे कजिन है, दो सगे भाई के दो बेटे, मतलब एक बेटा एक बेटी, और ये अलाउड ही नहीं है तो हमने करना कैसे। तो बोले चलेगा नहीं, दोनों बाप क्या बोले, हम तो कट जाएंगे, हम तो सुसाइड कर लेंगे दोनों भी, इनको करना जो करना है वो। तो उनको काफ़ी मैंने काउंसलिंग किया, समझाया, उनको दूर दूर रखने के लिए बोला, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड,
यदि बहुत दिन एक दूसरे के दूर रहेंगे तो नेचुरली फिर दूसरे दूसरे विचार आते, फिर निकल जाता है। मैंने बोला भाई 6 महीने साल भर इनको आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड करो, ताकि वो आउट ऑफ माइंड हो जाएंगे आउट ऑफ साइट किया तो, और देखते फिर क्या होता है। तो वो भी बता दिया। फिर बार बार विचार आते हैं तो उसके लिए फिर फ्लॉक्सिटिन दिया, और फ्लॉक्सिटिन जो है या सर्ट्रालिन एसिटालोप्राम, ये जो दवाई है ना SSRI ग्रुप की, तो इससे भी काफ़ी बार बार के विचार कम होने में मदद होती है। काउंसलिंग भी किया, देखते हैं क्या होता है। तो आगे के कभी वीडियो में शेयर करूंगा कि इसका क्या नतीजा हुआ, क्योंकि माँ बाप तो मान नहीं रहे, दोनों बोलते हैं शादी करना है, और फॉलोअप और कंटिन्यूस बातचीत में ये मालूम पड़ेगा कि करना क्या है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, थैंक यू।